सेरुलियन समुद्र की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी मूंगा चट्टानों पर मंत्रमुग्ध कर देने वाले पैटर्न में नृत्य करती थी, फिनले नाम की एक जिज्ञासु छोटी मछली रहती थी। फिनले कोई साधारण मछली नहीं थी, उसके पास तराजू का एक झिलमिलाता कोट था जो रात के आकाश में तारों की तरह चमक रहा था। उसके तराजू में असंख्य रंग थे जो इंद्रधनुष के रंगों को प्रतिबिंबित करते थे, जिससे वह पूरे महासागर में सबसे असाधारण मछली बन गई। एक दिन जब फिनले मूंगा उद्यानों की खोज कर रहा था, उसने पानी में एक मनमोहक धुन गूंजती हुई सुनी। मंत्रमुग्ध होकर वह मंत्रमुग्ध धुन का अनुसरण करता रहा, जब तक कि वह एक रहस्यमय पानी के नीचे की गुफा पर नहीं पहुंच गया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह धुन गुफा के भीतर से उत्पन्न हुई थी, जो उसे इसके रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित कर रही थी। एक साहसी हृदय के साथ फिनले ने गुफा में प्रवेश किया। उसके तराजू से एक उज्ज्वल चमक निकली जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया। अंदर उन्हें मरीना नाम की एक प्राचीन समुद्री चुड़ैल मिली जो एक जादुई बुलबुले में फंसी हुई थी। मरीना ने अपनी शक्तियां खो दी थीं और उसे अपना जादू वापस पाने के लिए समुद्र की सबसे असाधारण मछली के सार की आवश्यकता थी। चुनौती से प्रेरित होकर फिनले मरीना की मदद करने के लिए सहमत हो गया। उसने समझाया कि उसे समुद्र में फैले तीन पौराणिक खजानों को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलने की जरूरत है। इन खजानों में उसके जादू को बहाल करने और जादू को तोड़ने की शक्ति थी। दृढ़ निश्चयी और जिज्ञासु फिनले अपनी महाकाव्य खोज पर निकल पड़ता है। उनकी यात्रा उन्हें हलचल भरे पानी के नीचे के शहरों, भयानक जहाजों और समुद्र की सबसे गहरी खाइयों से होकर ले गई। रास्ते में उसका सामना स्प्लैश नाम के एक बहादुर समुद्री घोड़े और इंक नाम के एक मजाकिया ऑक्टोपस से हुआ। ये दोनों उसके साहसिक कार्य में उसके साथ शामिल हो गए। उनकी पहली चुनौती एबिसल गुफाओं के मध्य में छिपे एक चमकदार रत्न पर्ल ऑफ विजडम को ढूंढना था। विश्वासघाती धाराओं और चालाक समुद्री जीवों का सामना करते हुए तीनों डटे रहे और कीमती मोती सुरक्षित कर लिया। इसके बाद वे अटलांटिस के लॉस्ट गार्डन में गए, जहां उन्हें पहेलियों को हल करना था, अभिभावकों को मात देना था और हारमनी के शैल को प्राप्त करने के लिए जटिल भूल भुलिया को नेविगेट करना था। यह जादुई शंख भयंकर तूफानों को शांत कर सकता है और घायल दिलों को ठीक कर सकता है। उनका अंतिम गंतव्य द्वीप का ज्वालामुखी था, एक खतरनाक पर्वत जो पिघला हुआ लावा उगलता था और भयभीत लावा ड्रैगन द्वारा संरक्षित था। निडर, फिनले, स्प्लैश और इंक ने फ्लेमस्टोन को पुनः प्राप्त करने के लिए एक साथ काम किया, एक पत्थर जो आग और पानी के सार से युक्त है, जो विपरीतताओं का सही संतुलन है। तीनों खजाने हाथ में लेकर वे मरीना की गुफा में लौट आए। खजाने के संयुक्त होने से मरीना की शक्तियां बहाल हो गईं। फिनले की बहादुरी और दयालुता के लिए आभारी होकर उसने उसकी इच्छा पूरी करके उसे पुरस्कृत किया। एक पल की भी झिझक के बिना फिनले ने निस्वार्थ भाव से सभी समुद्री जीवों की भलाई और खुशी की कामना की। मरीना का जादू पूरे सागर में फैल गया, जिससे प्राणियों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बन गया। समुद्र की अंधेरी गहराई अब संतोष और एकता की सामूहिक चमक से रोशन हो गई थी। और इस तरह असाधारण मछली फिनले की कहानी समुद्र में एक किंवदंती बन गई। उनके साहस, दयालुता और निस्वार्थता ने समुद्री जीवों की पीढ़ियों को सद्भाव में रहने के लिए प्रेरित किया और उन्हें याद दिलाया कि उनमें से सबसे छोटा भी दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। और जैसे ही सूरज समुद्र के विशाल विस्तार पर डूब गया, फिनले अपने दोस्तों के बीच तैरने लगा। उसका तराजू पहले से कहीं अधिक चमकीला हो गया। समुद्र के बीच में आशा और एकता की एक किरण।